आज की इस वीडियो में हम अपने कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो जहां से मैं पास आउट हूँ वो कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज के बारे में यार पूरा एडमिशन प्रोसीजर बेसिकली हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियोज लाए हुए हैं, तो वीडियो को यार कंप्लीट एंड तक देखना। इस कॉलेज पर मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट रिव्यू वाली वीडियो बना रखी है, तो उसको जाकर देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा दूंगा। बेसिकली यहाँ पर भी दो मोड ऑफ एडमिशन है, पहला आपका यूपीटीयू के थ्रू है, दूसरा आपका यूपीटीयू इन सेंस की यूपीएसडब्ल्यू जो काउंसलिंग कराएगा जेई मेन के थ्रू। अब तो यूपीटीयू खत्म हो चुका है। 15% का मैनेजमेंट कोटा होगा, उनमें से आपकी कॉम्पिटिशन के भी वहां पर सीट वगैरह अलॉट हो रही होती है। कुछ सीट्स जो बेसिकली काउंसलिंग के थ्रू नहीं फुल अप हो पा रही होती हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांचेस में काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि इसीलिए कॉलेज पहले से पोर्टल ओपन कर देता है। जो कंपटीशन है वो आपका सीएसआईटी और ईसी ब्रांच में कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी लोग अदर स्टेट से हैं वो यूपी में किसी भी टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में अगर एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो आप मेरा जरूर चैनल सब्सक्राइब करना यार। अब जो भी बात इसके बारे में करेंगे गलगोटिया के बारे में, तो गलगोटिया की एवरेज प्लेसमेंट 4.5 है। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 30 LPA जा चुका है। तो बेसिकली जब मैं था तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि यार प्लेसमेंट सेल से जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही डिसेंट रहता है। तो मतलब प्लेसमेंट सेल में तो आपके ऑलमोस्ट 4.5 के प्लेसमेंट पैकेज तो आपकी लग ही रही होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर। अगर आप डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन से जाते हो तो 10+2 की उसमें परसेंटेज आपकी और अच्छी होनी चाहिए, या आप जेई के यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। वो एक उनका कॉलेज लेवल काउंसलिंग एक तरह का। और हम बात करेंगे कि कुछ कॉलेज जो है सिर्फ 10+2 के भी आप पर ले रहे हैं, पीसीएम के भी आप पर ले रहे हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। जो गलगोटिया का काउंसलिंग फॉर्म है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, यार कोड यार 097 है, कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 1998 का एस्टैब्लिश है, 19 acres का कैंपस एरिया है। मैं बोलूँगा कि कैंपस वगैरह को लेकर एक बॉयज हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल है, शॉर्ट में इसको फिनिश कर देते हैं। फैकल्टी यार काफ़ी बढ़िया है, फैकल्टी मैं बोलूँगा काफ़ी सारे प्रोफेसर आपको 70% मिलेंगे जो कि IIT से पास आउट हैं या उन्होंने PhD वगैरह IIT से कर रखी है। रिसर्च वगैरह को लेकर काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब कि एक मैं बोलूँगा EC डिपार्टमेंट बहुत बेटर माना जाता है यहाँ पे। और बाकी CSIT को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीली रहते हो, कैंपस जो डिपार्टमेंट का है वो काफ़ी एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर बच्चा कहीं बाहर से कुछ सीख रहा है तो उसके लिए वो अलाउ करते हैं। मोड ऑफ एडमिशन तो मैंने आपको बता दिया है, सीट इनटेक डिवीजन का मैंने बता दिया, 85% UPTU के थ्रू, 85% में से 10% सीट जो अदर स्टेट वाले बच्चे वो भी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही उसमें अलॉटिंग ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट तो काफ़ी बढ़िया। फी स्ट्रक्चर है 1,33,000 इंक्लूडिंग AKTU रजिस्ट्रेशन फीस 80-100 समथिंग है। और आपका जो प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया प्लेसमेंट है जो एवरेज 4.5 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गलगोटिया कॉलेज का है इसी तरह से AKTU का किसी भी कॉलेज का हो तो जो सीट मैट्रिक्स का डिवीजन कुछ इसी तरह से रहता है। फीस आप हॉस्टल फीस वगैरह देख सकते हो, 85,000 है 4-seater का कैंपस हॉस्टल, तो आप बाहर भी ले सकते हो, हॉस्टल वगैरह बाहर का ज़्यादा बेटर है मैं बोलूँगा। तो प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जिसके लिए बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा आप सभी को, कट ऑफ को लेके। तो अगर आप यहाँ पर CS कोर ब्रांच अलॉटमेंट लेना चाह रहे हो तो 75,000, 72,000, 70,000 पर भी क्लोज हो सकता है यहाँ का CS। तो कोशिश करिए कि यहाँ की CS अगर आपको चाहिए, कोर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, AIML 80,000 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है और 5,000 अंदर ही लेकर चलना सेफ साइड जोन को लेकर। ये यार जनरल वाले कैंडिडेट की कट ऑफ है, कैटेगरी और मतलब EWS OBC का बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने एज एन जनरल जो मेरा एक एनालिसिस है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। डेटा साइंस के लिए 85,000 होना चाहिए और IT आपको 90,000 तक भी मिल सकता है। अब ये नहीं कि पहले राउंड में आपको 90,000 है तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, आपको जाकर लास्ट राउंड में मिलेगा, स्पॉट राउंड में मिलेगा। ये डेटा जो है वो स्पॉट राउंड के हिसाब से मैंने डिजाइन किया हुआ है। अगर EC की बात करोगे तो आपका 1,25,000 से 1,50,000 रैंक तक के बीच में कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करेगा। बाकी के ब्रांचेस अगर आपके 80% से अबव है तो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब जो भी लोग अदर स्टेट से हैं उनके लिए 10% सीट होती हैं, तो वो भी UPSEE की काउंसलिंग के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं। और UPTU की काउंसलिंग ना बहुत सिंपल नहीं होती, उसके रूल्स पढ़ने पड़ते हैं आपको, पूरा एक अलग गाथा है वो, मैं बोलूँगा पूरा 100 पेज का PDF आता है उसकी काउंसलिंग करने के लिए। आपको बहुत कुछ आइडिया होना चाहिए, हर बार रूल्स चेंज होते हैं, कुछ रूल्स इस बार भी चेंज होंगे और आई होप इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस भी हो सकता है देखने को मिले कट ऑफ के टर्म्स में। अब यहाँ पर कुछ मैंने सेफ साइड जोन लिख रखी है, 68,000 से 70,000 के अंदर, अदरवाइज आपका 80,000 तक होगा तो चलेगा। और रिजर्वेशन
फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट लेना। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं अपने टाइम पे कॉलेज में था तो मेरे को 3 बार स्कॉलरशिप मिला था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो कोशिश करो कि आप लोग भी स्कॉलरशिप या फॉर्म जरूर अप्लाई करो। आप कोशिश करो कि आप UPSEE की काउंसलिंग के थ्रू जाओ, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मत जाओ। डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनको स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अलाउ नहीं होता है, या गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करती, आप ये भी कह सकते हो। तो स्कॉलरशिप आपका 50% समथिंग आ जाता है कुछ। प्लेसमेंट सेल और फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिसेंट है, मैं 5 स्टार दूंगा इसको रेटिंग। तो आज की वीडियो यहीं तक, और गलगोटिया कॉलेज अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्रोफाइलिंग अगर आपका एट एन एवरेज स्टूडेंट है तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली NCR के अंदर, आप इसको लेकर प्लान कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए अगर आपको किसी और भी कॉलेज पर रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, और बाकी अगर गलगोटिया में एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस का जो फंड है वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं है, और सिक्योरिटी मनी नहीं रिफंड होती है। बाय बाय।